अच्छा तो मैंने उतार दिया है, तो अभी दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो। तो इधर आप माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कोने में कोई चीज़। वालेकुम फ्रेंड्स, तो वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो कल के लिए माज़रत, कल जो है मैं व्लॉग नहीं बना सका, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ सका। तो अभी जो है सेटअप के ऊपर आ चुके हैं, तो तरपाल लगी हुई है, अभी गर्मी जा रही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है दोपहर के टाइम 12 से 2 बजे तक, तो जाती जाती गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी तो मौसम जो है नॉर्मल हो गया, गर्मी कम हो गई है, लेकिन दोपहर के टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो अभी इसको उतार देते हैं, ये गई जी उतर एक साइड, भी दूसरी साइड भी ऊपर से उतारनी पड़ेगी, तो इसको भी उतार देते हैं। दूसरी साइड भी तरपाल की उतर गई है, अभी इसको फोल्ड करके जो है केजिस के ऊपर रख देते हैं। तरपाल हमारी पैक हो चुकी है, पैट्स हमारे दाना पानी मांग रहे हैं, तो अभी इनको दाना पानी भी देते हैं। जानवर भी इधर मेरे पास आके खड़ा हो गया, देख रहे हैं, तो इनको दाना पानी देते हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, खुशी भी है और थोड़ा सा गम भी है, क्या खुशी है क्या गम है वो भी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले इधर का आप गान दे के बिल्कुल घबराना नहीं है, उसकी वजह यही है कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, व्लॉग भी नहीं बन सका, और ये गंद भी वैसा है, हमारी इतलाक भी जो है इधर ही इसका खाना पानी हुआ, ये भी हवेली के अंदर नहीं जा सकी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इधर कचरा हो गया। ठीक है, लकड़ियाँ वगैरह ये भी साफ़ कर देंगे इंशाल्लाह, टाइम ना होने की वजह से ये जो है सारा गंद इधर पड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी इसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि बारिश होगी तो सारा कचरा जो है जमा होकर नीचे ड्रेन में जाएगा और ड्रेन ब्लॉक हो जाएगी। तो इधर माशाल्लाह आप देख रहे हैं कितना ही प्यारा हमारे इतलाक का घर बन गया है, बिल्कुल फ्री बन गया। इतलाक ने पत्ते वगैरह खा कर जो लकड़ियाँ बचाई थी उसमें से मैंने जो है अच्छी अच्छी सी लकड़ियाँ निकाली हैं, उनको काटा है और उसका इतलाक के लिए जो घर बना दिया, क्योंकि लकड़ी हमारे पास ख़त्म हो चुकी थी, हम केज बना रहे थे इधर भी और उधर भी, उसके अंदर सारी लकड़ियाँ जो ख़त्म हो गई थी, हमें जो है नई लकड़ियाँ लेके आनी पड़नी थी, मार्केट में जाने का टाइम नहीं था, तो इसलिए जो मैंने इसका जो है इसके लिए घर बना दिया, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा है और सुबह टाइम जो है 1-2 बजे उतनी ज़्यादा गर्मी है, तो मैं नहीं था चाह रहा कि हमारी इतलाक बीमार हो, तो इसलिए जो है मैंने यही लकड़ियाँ वगैरह जमा की और उसका इसके लिए घर बना दिए। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा खुश है, दोपहर के टाइम भी खुश है और रात के टाइम भी खुश है, इसको गर्मी वगैरह और धूप वगैरह और रात के टाइम ठंडे मौसम से बचाव होगा, लेकिन अभी ये घर इसका फाइनल नहीं हुआ, अभी इधर जो है 1-2 लकड़ी लगाएँगे, उसके बाद जो है इसका घर फाइनल हो जाएगा। और इधर हमारे पैरेट का केज भी ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है, फ्रेम वगैरह लग गए हैं, पहले जो है पीछे पेंट हो गया था, अभी फाइनल पेंट भी हो चुका है पीछे, ठीक है, अभी बस ऊपर का छत रह गया इसका, उसके बाद जो है हमारा केज फाइनल हो जाएगा और हम इसके अंदर पैरेट लेके आएंगे। तो माशाल्लाह देख रहे हैं पीछे से क्या व्यू आ रहा है, प्यारा प्यारा सा। तो अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और जो खुशी की बात है वो भी आपको बताते हैं दिखाते हैं, और जो गम की बात है वो भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं। तो इसके अंदर वो चीज़ है, अभी इसका छत जो है मैं हटाता हूँ और आपको वो चीज़ अंदर से दिखाता हूँ। छत मैंने उतार दिया है, तो अभी दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो। तो इधर आप माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कोने में कोई चीज़, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे पास जो है रैबिट के बच्चे आ चुके हैं, इधर आप माशाल्लाह देख रहे हैं, अभी तो बहुत ही छोटे हैं, पता नहीं चलेगा मेल के ऊपर गए हैं कि फीमेल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा क्यूट हैं। इधर हमारी तलाक भी चेक कर रही है, माशाल्लाह आप चेक करें कितने ज़्यादा क्यूट हैं छोटे छोटे से। खुशी की बात यही है कि हमारे पास रैबिट के बेबी आ चुके हैं, और गम की बात क्या है कि ये जो है 5 थे और 2 इसके अंदर एक्सपायर हो गए हैं, उसकी वजह क्या थी मुझे नहीं था पता कि इन्होंने जो है बच्चे दे दिए हैं,
सिल्कियन हमारी जो है शोर कर रही थी, मैं छत के ऊपर आया तो वो जो है इनके केज में इसमें आई हुई थी, तो अंदर आ गई थी, उससे बाहर नहीं था निकला जा रहा, तो शोर कर रही थी, तो मैंने इसका छत उठाया, उठा के उसको बाहर निकाला, तो अंदर देखा एक बच्चा मुझे नज़र आया। उसके बाद जो है ना एक बच्चा नज़र आया, बाकी उसका सारा नेस्ट जो है इसके अंदर था। कुछ दिन पहले जो मुझे पता लगा था कि ये जो है ना ये इधर से बाहर से चीज़ें उठा के ले कर जा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इतनी जल्दी ये जो है बच्चे दे दे। कुछ बिजी भी था तो मैंने देखा किसी दूसरे रैबिट ने इधर से सारी मट्टी उठा के उसके ऊपर गिरा दी हुई थी। एक बच्चा बाहर था, उससे पता चल गया मुझे, अगर वो बच्चा बाहर ना होता शायद उसका भी पता ना चलता। तो सारी मट्टी वो नेस्ट के ऊपर थी, दो बच्चे जो है बुरी तरह अंदर फंस गए हुए थे, एक तो मौके के अंदर, दूसरा जो है मैंने निकाला एक दिन जिंदा रहा, कल था रात को जो है वो भी मर गया। तो बहुत ही अफसोस हुआ, पांच बच्चे निकले थे उनमें से भी जो है दो बच्चे मर गए हैं और तीन बच्चे जो है ये अभी तक तो ठीक है, लेकिन इनकी भी मुझे टेंशन पड़ी हुई है, ये पता नहीं फीमेल इनको फीड करवा रही है कि नहीं। एक बच्चा तो माशाल्लाह हेल्थी है, देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है और हेल्थी है, लेकिन दो बच्चे जो है अभी वीक लग रहे हैं मुझे। ये देख रहे हैं ये बच्चा एक वीक है और ये बच्चा भी एक वीक है। मैं कन्फर्म तो नहीं कह सकता लेकिन मुझे लग रहा है कि फीमेल जो है फीड नहीं करवा रही, लेकिन ये भी टेंशन है कि अगर फीमेल फीड नहीं करवा रही तो कल के ये ज़िंदा कैसे हैं। ठीक है, कल सुबह के मैंने देखे हैं, शायद उससे भी एक दिन पहले निकले हुए हैं या दो दिन पहले निकले हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। ये माशाल्लाह फीमेल देख रहे हैं इनकी मामा बाहर घूम, दुआ है कि हमारे जो है रैबिट के बच्चे बच जाएं। तो अभी जो है इनको इधर ही कवर कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। इसकी वजह से जो है मैंने इधर जो है ईंटें वगैरह लगा दी थी, दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे, मट्टी वगैरह जो इनके ऊपर ना फेंके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया, छोटी छोटी जैसी जाने थी जाने चली गई हैं। चीज़ तो कोई बात नहीं, चीज़ तो फिर बन जाती आ जाती है, लेकिन छोटी छोटी सी जाने थी तो ख़त्म हो गई, तो इसलिए मैंने एहतियात की दोबारा। अभी इनको जो है कवर कर देते हैं, इससे पहले के टेम्परेचर और ज़्यादा गिरे और इनको ठंड लगना शुरू हो जाए, तो इनको कवर कर देते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, अभी बहुत ही छोटे छोटे से क्यूट से हैं। तो मैं तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकता, उसकी वजह यही है कि दो बच्चे हमारे जो है मर गए हैं। एकदम से जो खुशी मिली है उसके बाद जी गम भी मिल गया, उन्होंने कहा ज़्यादा खुश ना हो, गम भी इसके साथ ही है। तो चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बेहतर हो जाएगा। तो अभी इसको जल्दी से कवर कर देते हैं, केज हमने दोबारा जो है कवर कर दिया, बंद कर दिया, उसका छत जो है वापस रख दिया। मैं नहीं था चाह रहा कि उनको ठंडी हवा वगैरह लगे, क्योंकि टेम्परेचर अभी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।